हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बेसन का चिल्ला उसकी रेसिपी लेके आई हूं कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैं इसी बाउल से 3 बाउल बेसन ले ली हूँ, तेल, नमक, हरी धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर और एक छोटा से हरा मिर्चा, गरम मसाला, अजवाइन, धनिया पाउडर, हींग। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और हम पानी ले लिए हैं 1 गिलास। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन में सारा सामान डालेंगे। अजवाइन, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हींग पाउडर, हरा मिर्चा, लाल मिर्चा हम पूरा नहीं डालेंगे, लाल मिर्चा पाउडर थोड़ा सा डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर। अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्चा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम सारा पहले इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद नमक, इसमें थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के मिक्स करेंगे। पहले हम थोड़ा से डाल देंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसी तरह से। हम हरी धनिया डालेंगे इसमें, उसके बाद हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद हम थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। फिर हम मिक्स करेंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चा कम कर देना। ये देखिए, हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जैसे मैं मिक्स की हूँ ऐसे ही कर लेना है मीडियम में। उसके बाद हम एक फ्राई पैन रखेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। फ्राई पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब हम बेसन को डाल देते हैं। हमें एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालना है वरना बहुत मोटा हो जाएगा ये। उसके बाद जो है हमें इसी तरह से पूरा अच्छे से चारों तरफ से बराबर उसमें कर लेना है। ये देखिए, गैस को मीडियम आंच पे रखना है वरना जल्दी जल जाएगा, कच्चा रहेगा, फिर अच्छे से पकेगा नहीं। ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसी तरह से, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। एक बार ऐसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसको जो है पलट देंगे। एक बार ऐसे घुमा देंगे।
अब हम दूसरी साइड पलट देंगे ताकि अच्छे से हो जाए। ये चिल्ला रेडी हो गया है, अब हम इसको जो है निकाल लेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे। बेसन का चिल्ला हम पूरा बना लिए हैं, ये देखिए चिल्ला रेडी है खाने के लिए। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं ऐसे अच्छी अच्छी न्यू न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।